जानदार वाला गद्दा मारेगा। देखो इसने मारा, पट मार दिया है और पतंग यहाँ पे काटी लपेटते आ गई। देखो पतंग आ गई लपेट के लिए, आई पतंग, अभी आपको दिखाते हैं पूरा कैसी पतंग कैसी नहीं। ये मेरा हत्ता मारना चाह रहा है और देखो इसको भी गिरा दिया मैंने। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल काइटर ऑफिशियल। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले काइट कटिंग एंड कैचिंग। पहले हम पतंगों को काटेंगे और फिर हम उन्हीं पतंगों को लपेटने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम लपेट भी लें। यहाँ पे देखो आज जो हम पतंग उड़ाने वाले हैं पौनी पतंग है और चील काट सेप की पौनी, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है तो यही वाली पतंग उड़ाएंगे। और पतंग किसकी है, ये तो पतंग भाई अपने ही नाम की है क्योंकि मैंने अपनी स्टैंप लगा रखी है इसमें, देख सकते हैं अर्पित काइट बरेली मांझा। ये वाला यूज करेंगे, पूरा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा है, सिर्फ एक दो पेज का है। देखो कितनी जल्दी मांझे यूज हो रहे हैं यार, कुछ ज़्यादा ही पतंगबाजी हो रही है आजकल। तो ये चली भाई अपनी पतंग, हवा आज काफ़ी अच्छी चल रही है, होली के टाइम में ना हवा काफ़ी अच्छी खुल के आ जाती है। अब देखो एक दूर को आपको पतंग देख रही होगी, ये मेरी पतंग पार होके जा रही है। तो पहले कोशिश करूँगा छोटा ही रेंज का पेज लड़े ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर हमें पतंगें भी तो लपेटनी है। तो चलो उड़ाते हैं, लड़ाते हैं फिर और लपेट के भी दिखाते हैं भाई आज आपको पतंगें। अब देखो सामने मेरी पतंग रही रेड सर्किल के अंदर और एक बंदा मेरी सद्दी काटने के उसमें, लेकिन मैंने मंजे अच्छा खासा बांध रखा है। ये देखो ये आ गया हमारा अपोनेंट ऊपर से, देखो कितनी लंबी मेरी पतंग आगे निकली है, गद्दा मारेगा, मारा इसने मैंने और पतंग यहाँ पे काट दी है। ये बंदा सोच रहा था कि यहाँ पे पतंग अपोनेंट की नहीं, मारा इसने, मैंने अंदर का गिरता पट मारा और इससे C28 मांझा काफ़ी मजबूत होता है। तो कन्ने भी भाई मैं इसी के बांध लेता हूँ ताकि मैं पतंग लपेट सकूँ, पतंग मुझे लपेटनी है दूसरी, और सद्दी कन्ने बांधूंगा तो क्या था वो कट जाए। वैसे मंजे कन्ने बांधने तो नहीं चाहिए लेकिन आज मैं बांध रहा हूँ, पता नहीं क्यों मन है यार मेरा, इसी से बांधेंगे और शायद पतंग लपेट ले हम, क्योंकि पीछे से पतंगें काफ़ी ज़्यादा कट के आ रही हैं। मांझा ये मजबूत है काफ़ी, और कन्ने भी मैंने मांझे की बांध ली ताकि कन्ने भी ना काटें, अब पतंग जरूर लपेटेंगे। चलो जल्दी से कन्ने बांधते हैं, दिखाते हैं। अब देखो कन्ने मैंने मांझे के बांध लिए, पतंग मैंने पार कर ली। देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की रही, वो मेरे देखो कन्ने काटने को उसमें था। ये चला मैं इस बंदे की, पहले पतंग काटेंगे और लपेटने की कोशिश करेंगे फिर, क्योंकि मांझा भी अच्छा है और मजबूत भी है तो शायद लपेट लें पतंग। नीचे से जाते हैं, अभी भी पेज नहीं आया यार, या तो मेरी पतंग छोटी रह जा रही है या फिर उस बंदे की पतंग छोटी रह जा रही है। फिर चला मैं नीचे से, पतंगें भिड़ नहीं पा रही हैं आपस में। ये गया, बस हल्का सा चक्कर दिया, एक ही चक्कर में देखो उसकी पतंग कट गई, लपेटने से दिखाते ये चक्कर पे चक्कर चक्कर पे चक्कर। अरे यार कन्नों के पास से ही कटी है तो इस पतंग में तो डोर नहीं है, दूसरी पतंग काटेंगे उसे लपेटने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही काफ़ी लंबी निकल रखी और एक पतंग कट के जा रही है यार बराबर में, चलो इसी को लपेटते हैं। और ये चला मैं गया, और देखो बस जाके जहाँ पे मान जाओ वहीं पर ही आपको चक्कर देने, ये चक्कर दे रहा हूँ मैं, शायद ये पतंग आ जाए, शायद देखते क्या होता है। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा भाई, पतंग आ गई, पतंग आ गई मेरे भाई, पतंग आ गई है। टाइट हो जा, टाइट हो जा, जब तक डोर पूरी टाइट नहीं हो ना तब तक खींचते नहीं है, टाइट हो गई है। और यहाँ पे अब मैं पतंग लाने लगा हूँ, देखते हैं आती है नहीं आती है। सामने पतंग रही और जब तक हाथ में नहीं आती तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल लपेट के तो आपको दिखा दिया है, अब घर तक उतर आए तो मज़ा ही आ जाए। अब मुझे यार दोनों चीज़ों में नज़र रखनी है, एक तो मुझे कैमरे में भी नज़र रखनी कि पतंग कैमरे के अंदर ही आए मतलब, और पतंग भी उतारनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप लोग के लिए करते हैं तो लाइक कर दिया करो यार। और पता नहीं मुझे अंदर से फीलिंग आ रही ना कि ये पतंग जरूर निकल के आएगी। अरे यार ये बंदा काटने आ गया, तो बच गई हमारी पतंग, थोड़ी सी रह गई है, आजा यार जल्दी आजा। आ गई भाई पतंग, आ चुकी है हमारे हाथ में, थोड़ी सी आजा आजा, और ये आ गई यार पतंग। तो अभी दिखाते हैं कैसी पतंग हमने लपेटी है। अब पतंग हम लपेट के ले आए और देखो क्या सीन हुआ है, जो दूसरी पतंग का मांझा था ना, वो चाइनीज मांझा था, उसमें देखो ये हमारे कन्नों में उस दूसरी पतंग का मांझा फंसा है जो हमने लपेटा था। यहाँ पे ये रहा चाइना मांझा
और मैं आपको पतंग दिखाता हूँ जो हमने लपेटी है। ये देखो, इसमें हमारा मांझा ही फंसा है। पतंग देखो छोटी थी, लेकिन ये बंदा यार गलत मांझा उड़ा रहा था। और इसने काफ़ी पतंगें काट भी दी थी, इनने अंधाधुन पतंगें खींच के ये काट रहा था, और फाइनली इसकी पतंग कटी तो हमने लपेटी तो पता चला यार ये वाला मांझा यूज कर रहा था। फिलहाल अभी पतंग हमने लपेट लिया, आपको दिखा भी दी पतंग कैसे लपेट सकते हैं। इस वाली पतंग से हमने ये पतंग लपेटी थी, और वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आपको समझ में आ गया होगा पतंग आप कैसे लपेट सकते हैं। बस आपको चक्कर देने, और जब तक डोर टाइट ना हो तब तक चक्कर देते रहना, पतंग आप ही लपेटोगे। एक और देखो, सामने पेज लड़ रहा है और लास्ट पेज है ये आज का, और काट दिया भाई, ये वाला पेज भी काट दिया। तो आज हमारी एक ही पतंग कटी थी, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और सारी पतंगें आज हमने काट दी।